दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड में एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और ये मंदिर जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ये नैनीताल का बस स्टैंड है, यहीं पर तल्लीताल का बस स्टैंड है और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर है। तो बिना देरी किए हुए आप सभी को ले चलते हैं और मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी मंदिर। और यहाँ पर देखिए बोर्ड में भी लिखा हुआ है हनुमानगढ़ी, मात्र 3 किलोमीटर है। ये बस स्टैंड आपको सामने नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है। तो आप आराम से, अगर आप कार से भी जाना चाहते हैं तो कार से भी जा सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप यहाँ से टैक्सी लेना चाहते हैं टैक्सी भी आप आसानी से मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए हनुमानगढ़ी मंदिर तक ले चलते हैं और उस मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये नैनीताल यात्रा का चौथा पार्ट है। अगर आपने शुरू के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, जिनमें नैनीताल के होटल के बारे में भी हमने बताया है कहां पर रुकना चाहिए और नैना देवी मंदिर के बारे में भी दिखाया है। तो आप पिछले तीनों पार्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि इस मंदिर के बारे में सभी जानकारी मिल सके। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए पहुंचते हैं मंदिर तक। दोस्तों नैनीताल से लगभग हम 1500-1600 मीटर चलकर आ चुके हैं और यहां से हनुमानगढ़ी का जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, इसी पहाड़ में हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और कहते हैं कि नीम करौली जो बाबा हैं उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर में स्थापना करा था और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो अभी हम यहाँ पर ले चलेंगे। रास्ता आप देख सकते हैं, अभी हमें यहाँ से होते हुए ये ट्रैक है और उसके बाद वहाँ पर शायद कोई दूसरा रास्ता हो जहाँ से मंदिर तक जाने का रास्ता होगा। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। दोस्तों ये जो मंदिर है, यहाँ की वीडियो आपने बहुत कम देखी होगी और ऐसा भी हो सकता है शायद आप इस मंदिर के बारे में नहीं जानते होंगे। इस मंदिर का जो इतिहास है, पौराणिक जो महत्व है, वो भी हम आपको बताएंगे और अच्छे से दर्शन कराएंगे, कोशिश यही रहेगी। तो हमारे साथ बने रहें, चलते हैं आगे। फाइनली उस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं जहां से मंदिर के लिए रास्ता जाता है। ये लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है मंदिर के लिए जाता है और ये राइट साइड जो मेन रास्ता है ये हल्द्वानी, दिल्ली और जॉलीकोट के लिए जाता है। ये देखिए श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम हनुमानगढ़ी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। अगर आप बाइक से या कार से जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से हनुमानगढ़ी मंदिर जा सकते हैं और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो इस वाले रास्ते से होते हुए आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पहली बार जा रहे हैं तो आइडिया नहीं है कि कितना पैदल चलना होगा, लेकिन वहां पर जाकर आपको पूरी जानकारी देंगे। और बाइक से जाएंगे तब तो आप आराम से मंदिर के करीब पहुँच सकते हैं, लेकिन ये है कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है ये वहाँ जाने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम बाइक से हैं तो बाइक वाले रास्ते को देखते हैं और एक भैया से हमने पूछा था पैदल वाला रास्ता कितना है, तो उन्होंने 2 मिनट बताया कि 2 मिनट में आप पहुंच सकते हैं और बाइक वाला रास्ता तो आप देख पाएंगे और अच्छे से पता भी चल पाएगा कितना डिस्टेंस है, बट ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों आप सभी ने कैंची धाम मंदिर तो सुना ही होगा। कैंची धाम मंदिर जो है नीम करौली बाबा के द्वारा बनाया गया था और कहते हैं कि नीम करौली वाले बाबा सबसे पहले इस जगह पर आए थे जहां पर हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी वाले मंदिर पे, और सबसे पहले इस मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी और यहां से फिर वो कैंची धाम के लिए चले गए थे। तो मंदिर के करीब हम लगभग पहुंच चुके हैं और बाकी मंदिर का जो इतिहास है वो सभी कुछ हम जानेंगे। तो आप सभी को जय श्री बजरंग बली जरूर लिखना है, जय श्री राम भी लिख सकते हैं क्योंकि हनुमान जी को जय श्री राम बहुत पसंद है। तो आप सभी लिखते जाइए और मंदिर के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ कार यहाँ पर पहले से खड़ी है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये कह सकते हैं 600-700 मीटर उस पॉइंट से होगा।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद की दुकानें आपको दिख रही होंगी, और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ लगभग 7-8 यहाँ पर कार खड़ी हैं, कुछ बाइक हैं। श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें पहले शूज स्टैंड मिलता है जहाँ पर आप अपने चप्पल जूते रख सकते हैं, और यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए कई जगह पर स्ट्रिक्टली मना है, तो देखते हैं कहाँ तक फोटोग्राफी हो सकती है, मेरी कोशिश रहेगी। और यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ से कह सकते हैं मुख्य मंदिर शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में जो है फोटोग्राफी मना है, तो हम आपको ये ड्रोन शॉट दिखाते हैं और मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो बताते हैं। और बाकी अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जो आने के बाद सुकून मिलता है वो बहुत कम मंदिरों में मिलता है, और आप लोग हो सकता है इस मंदिर में आए हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव बताइएगा, जब आप यहाँ पर आए तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों इस मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो नीम करौली बाबा से जुड़ा हुआ है। कैची धाम में तो नीम करौली बाबा का जो मंदिर है, सच में वहाँ तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन इस मंदिर को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कहते हैं नीम करौली बाबा यहीं पर भगवान राम का नाम जपते थे, वो इसी स्थान पर एक पहले जंगल हुआ करता था, एक टीला था जंगल के बीच में, और यहाँ पर राम नाम वो जपते रहते थे। कुछ समय जब बीतता गया, सालों होते गए, वो राम नाम जपते रहे, तो कहते हैं कि यहाँ के जितने पेड़ पौधे थे वो भी राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे करके जब बाबा ने यहाँ इस जगह पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करने के बारे में सोचा, और लोगों की मदद से फिर उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाया। उसके बाद भी कई बार मंदिर का निर्माण होता गया, और अब देखिए आप लोग मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, टॉप व्यू ड्रोन शॉट देख रहे हैं। यहाँ पर शीतला माता जी का मंदिर है, राम दरबार है। इस मंदिर के जब दूसरी साइड आप जाएंगे तो शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, और ये मंदिर देखिए तो आप सही बिल्कुल पेड़ों के बीच में ढका हुआ है, और टॉप व्यू अगर आप देखते हैं तो सच में यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों मुख्य मंदिर के आगे आप देखिए एक व्हाइट सा मंदिर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा, यही है शिव जी का मंदिर, और पुल के ऊपर बहुत ही अच्छे व्यू नज़र आते हैं। और कहते हैं इस मंदिर के अगर टॉप में आप खड़े हो जाते हैं तो सूर्यास्त और सूर्योदय का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये देखिए यहाँ पर कई मंदिरों की चोटी नज़र आ रही होंगी, तो बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार आप ज़रूर आएँ। जब भी नैनीताल की यात्रा करें, पास में पड़ता है तो आप जैसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही नैनीताल यात्रा की बहुत सारी वीडियो अभी आनी बाकी हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।